नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रंजीत जी हैं, जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। अब इनकी एज बुजुर्ग अवस्था में हो चुकी है। आज इनकी कितनी आस्था, कितना विश्वास है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के साथ, जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। रंजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रही हैं आप? हाँ जी। अब कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल जी। अब भी लगातार आ रही? हाँ जी। कैसा माहौल लगता है? बहुत बढ़िया जी। कभी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, ये गलत दिखा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सर, गलत लगाए हैं सारे लोग भी। कभी भी आपने ऐसा माहौल नहीं देखा? नहीं जी। फिर कैसा देखा है आपने, मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया माहौल है, बच्चों का बहुत इतने सेव है, लड़कियों की कोई ऐसी जी गल नहीं जो मीडिया दिखाता, सब गलत दिखाया उन्होंने। सतगुर सच्चे सुच्चे हैं, सच्चे सुच्चे ही रहेंगे। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए? समाज के लिए बहुत कार्य भलाई दे करे उन्होंने, जिमें बेटियां दी शादी करानी, बीमारां दा इलाज कराना, जिमें गरीबां नू रुजगार देना, रोटी समझ सब दी चलाई उन्होंने, है ना। कोई ऐसी जी गल नहीं हैगी जिमें मीडिया दिखाउंदा, बहुत गलत है वो। सतगुर सच्चा सुच्चा है। उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किए हैं संत जी? लोगों के लिए हुण जिमें सफाई भी आने लोगों के लिए किया, जिमें हुण बीमारी आई, बीमारी का बहुत इलाज करवाया, सारिया टीम गई है ना। तो जिमें हम इन्ना करोना का सीगा जा, करोना चो बहुत साथ दिता लोगों, बहुत वह भी सतगुर की दसी शिक्षा की इन्ने सेवा की। क्या अज उनकी जरूरत है समाज? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरत है। संत बहुत सच्चे है, सुचे है, बहुत उन्होंने ये धक्का हो रहा है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे आप सरकार? असं यही मांग करांगे उन्होंने जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाए, जल्दी जल्दी समाज च आन, भलाई के काम बद चढ़ के करो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जनता की अपील मांग के संत जी समाज में आना चाहिए। इनका कहना है कि कभी ऐसा नहीं देखा जैसा दिखाया जा रहा था। ये अपील कर रहे हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत